हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का ZPS मैथ्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और ये क्लास 8 है जिसमें का पार्ट 1 है। और यहाँ मैंने एक चीज यहाँ पर एक लाइन लिखी है, सकारात्मक सोच रखें, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक ऑथर मैंने लिखा है कि एक विद्यार्थी के पास सच्ची लगन और खुद पर विश्वास होनी चाहिए, तभी अपने गोल को पा सकता है। जस्ट यू कैन अचीव योर गोल, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। और मैंने ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, यहाँ पर देख रहे हैं, एट क्लास का मैथ मैंने लिया है, उसमें का ये पार्ट 1 है। और मैंने लिया है इसमें जो सॉल्यूशन करेंगे वो आर एस जो अग्रवाल का मैथ होता है उसका सॉल्यूशन इसमें हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1A से। यहाँ पर लिखा है कि एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। ये सब डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। और आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है -3/5। इस -3/5 फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को अगर पहले क्वेश्चन के अनुसार देखें तो इसको 20 बनाना है, दूसरे क्वेश्चन के अनुसार -30 इसको बनाना है, तीसरे क्वेश्चन के अनुसार इसमें 35 बनाना है, और चौथे क्वेश्चन के अनुसार इसमें -40 बनाना है। इस तरह अब देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा बिल्कुल आराम से। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 20 और हमको फ्रैक्शन दिया हुआ है -3/5। अब इस 5 को नीचे वाले के डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको हमको 20 करना है। तो 20 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से नीचे करेंगे तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 4 3 जा 12, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस, और 5 4 जा 20, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर लेते हैं तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने -30। डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है? -30। और देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है -3/5। इस फाइव में हमें बनाना है -30। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से नीचे तो 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए कितना हो गया, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, और माइनस यहाँ पर है तो माइनस यहाँ पर दे देंगे, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और ये दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया होमवर्क के रूप में। इसको स्क्रीनशॉट करके आप इसको होमवर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, कहा है कि एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। इसमें डिनोमिनेटर को 7 करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व -40/ क्या लिखा है 98, -40/98। अब देखिए इसको हम टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेट करेंगे तो यहाँ से देखिए 14 3 जा 42, 14 7 जा 98, ऊपर -3 नीचे 7। देखिए डिनोमिनेटर हो गया ना 7, यहाँ पर क्या बोला था डिनोमिनेटर 7 करने के लिए, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें इसमें डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, 5 कर देना है। देखिए इस 60 को हमको 5 कर देना है। तो ये 5 होगा कैसे, 5 होता है आपको कैंसिल करके। देखिए यहाँ पर जब कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5, -40/ क्या है 60 है। यहाँ पर टर्मिनेट कीजिए तो यहाँ पर 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, ऊपर हो गया -4 और नीचे हो गया 5, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। देखिए डिनोमिनेटर में 5 आ गया ना, बोला था कि डिनोमिनेटर को 5 कीजिए, हो गया आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी तरीके से हमको आपको बता रहा है, घर पर प्रैक्टिस आप करेंगे। देखिए कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस सभी क्वेश्चन को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में के रूप में बदल देना है। तो देखिए कैसे हमको करते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिया है वो -12/ क्या दिया है 30। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा कैसे, कुछ नहीं करना है, बस जो कैंसिल होता है कर दीजिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। कैंसिल कीजिए, कैंसिल करेंगे 4 से 4 3 जा 2 सॉरी 4 से नहीं 3 से 3 4 जा 12 3 10 जा 30। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, ऊपर हो गया -2 और नीचे 5, देखिए यहाँ माइनस था।
इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया करेक्ट, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक और ले लेते हैं, बाकी आप कीजिएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, -14 बाई -14 बाई 49। दूसरा क्वेश्चन है -14 बाई 49, ये है आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल कैसे होगा, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, -2 बाई 7, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया आंसर। मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, इसको स्क्रीनशॉट करके आप बना लीजिएगा, बस कैंसिल कर दीजिएगा, जो कैंसिल होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। यहाँ पर कुछ पेयर दिया गया है सब में, सभी क्वेश्चन में, और इस पेयर में ये बात पता कर देना है कि इसमें कौन सा रेशनल नंबर है जो दोनों में बड़ी हो। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 3 बाई 8 और 0, पहला क्वेश्चन है 3 बाई 8 और 0, यहाँ पर 0। अब ये कर पता करना कि इन दोनों में बड़ी कौन है, तो सीधी सी बात है कि 0 से जो पॉजिटिव संख्या होती है वही बड़ी होती है जो सकारात्मक नंबर हो संख्या होती है। तो पॉजिटिव नंबर कौन सी है, 3 बाई 8, तो ये बड़ी हो गया, इसके तरफ उसका ये कर देंगे, ग्रेटर देन कर देंगे, आंसर हो गया। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, -2 बाई क्या है, 9 और यहाँ पर 0, ये निगेटिव है ना, तो निगेटिव कभी भी 0 से छोटी होती है, 0 से क्या होती है छोटी, तो इसमें बड़ी कौन हो गई, 0। 0 से जितनी भी चाहे कितना हो बड़ी संख्या हो, -4 8 0, इतनी बड़ी संख्या है फिर भी ये 0 से छोटी है क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव की वजह से 0 से क्या हो गई, छोटी हो गई। जितनी भी संख्याएं होती है निगेटिव वो सब के सब 0 से छोटी होती है, ये निगेटिव दिख रहा है इसलिए छोटी हो गई, हो गया आंसर। वैसे ही सब चेक कर लेंगे। एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं जो आपके लिए डिफिकल्ट हो, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कि दिया है -5 बाई 7 और दिया है -4 बाई 7, ये 4th नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो -5 बाई 7 है और यहाँ पर -4 बाई 7 है, दोनों नीचे इसका डिनोमिनेटर इक्वल है, ऊपर वाली संख्या से पता करेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 5, 5 और 4 में कौन बड़ी है, तो कहेंगे -4, क्योंकि दोनों माइनस में रहा है। जैसे कोई पूछे -1 और -2 में बड़ी कौन है, बोलेंगे -1, क्योंकि जो माइनस में जो छोटी संख्या दिखती है वास्तव में वही बड़ी होती है। तो देखिए -4 और -4 में छोटी कौन दिख रही है, 4, लेकिन वास्तव में यही बड़ी है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपको कहा है कि दोनों में भिन्न में कौन बड़ी हो, तो कहेंगे -4 बाई 7 क्या है आपकी, ग्रेटर है, क्या है, ग्रेटर है, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, इसका पार्ट 2, इसमें और भी बहुत सारी क्वेश्चन है। धन्यवाद।